वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। बाकी सेहत और बीमारी और जिंदगी मौत ये अल्लाह का मसला है। और आज वजारत दाखिला में हमने फैसले किए हैं कि जो महकमों में लंबे अरसे से लोग बैठे हुए हैं, FIA में, नादरा में, इमिग्रेशन में, पासपोर्ट में, दो तीन तीन साल की बजाय 10-10 और 18-18 साल से बैठे हैं, उन सबको तब्दील करने जा रहे हैं। और ये 7-8 दिन में फैसले लागू हो जाएंगे। और 192 मुल्कों में हमने वीजा ऑनलाइन कर दिया है, ताकि यहां जो आपको इतना रश नजर आता था और करप्शन थी वीजों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हुई है। और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे, तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवरस्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं, तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे भेज रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एजेंडा तो उनका एक ही था, इमरान खान। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। और बाकी जो उनके मामलात हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़के देख लिया है जी, सेनेट उन्होंने लड़के देख लिया, 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। 6 महीने से मुल्क का कोई कोना, इलाका, तहसील हेडक्वार्टर तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहां जलसा जुलूस न किया हो। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो जलसे रखे हुए थे वो कोरोना की वजह से, जो पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है PTI का, उसने उनसे दरख्वास्त की है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है, वो जलसे मलाकांड और दूसरे किसी जगह पे वो ना हो। और रमजान पैकेज एक तारीखी पैकेज है जो इमरान खान साहब ने 8 अरब रुपए का कमोबेश जारी किया है। 2.5 साल हमारे गुजर गए हैं जी, 2.5 साल हुकूमत का पहला हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इमरान खान ने अपनी तमाम PTI को, तमाम MNAs को और वजरा को हदायत की है कि अब एक्टिवली काम करें। और एक्टिवली काम करने के लिए मेरा ख्याल है, जो बात पहले दिन से मैं कह रहा हूं, हमारा ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम महंगाई को किस तरह कंट्रोल करें। जमींदारों को काफी पैसे मिले हैं देहातों में, लेकिन आम लोग जो सारिफ है, खास तौर पर 10-11 आइटम जो कि जरूरी हैं, जो बुनियादी जरूरत है, उनकी कीमतों पर हमें कंट्रोल रखनी होगी। और जो सबसे अहम बात इमरान खान साहब ने की कि पाकिस्तान की तारीख में 2 नए डैम बनाने जा रहे हैं, और 2 नए डैम जो हैं इस खजाने में, जिस किस्म के हालात छोड़कर अपोजिशन गई, उस खजाने में ये डैम, उन्हीं हालात में ये 2 डैम बनने जा रहे हैं, जिससे कि न सिर्फ बिजली सस्ती होगी बल्कि उस इलाके में रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मैं क्योंकि मुख्तसर बात करना चाहता हूं, और मुख्तसर बात में जो सबसे अहम बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह
हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने कोई रुकावट किसी काम में खड़ी नहीं की। एक मसला है, उन्होंने खुद अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया नवाज शरीफ साहब ने, हम वो शॉर्ट नोटिस पर जारी करने के लिए तैयार हैं जिसमें वो सिर्फ पाकिस्तान आ सकेंगे। और मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम ले कतर में भी गया था और उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और कौम को मैं इमरान खान की हुकूमत की तरफ से खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि कुवैत से वीजे भी जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, 2011 से बंद है और इंशाल्लाह जिस दिन पासपोर्ट, जिस दिन एयरपोर्ट खुल गए कुवैत के और जिस दिन कुवैत नए इंटीरियर मिनिस्टर आ गए हैं, कल परसों उनका भी इंतजार था, सो इमरान खान की हुकूमत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि कुवैत के वीजे जो हैं वो खुल जाएंगे और लोगों को रोजगार के अलावा जो वीजे की पाबंदियों के असरात थे वो कम होंगे। क्योंकि एनी क्वेश्चन एक एक देखें, किसी चीज का ऐलान होना जरूरी नहीं है। आज नून लीग में दो सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें और वो खानदान के अंदर ही है। यस, शॉर्ट सवाल, मैं 15 मिनट से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यार छोटा सवाल किया आपको, कई दफा कहा छोटा सवाल किया करें। बड़े फैसले आज प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिटिकल टीम पीटीआई ने फैसले किए हैं, उनके ऐलानात अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की रखी हुई थी, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली साहब या जो साहब करें या फवाद साहब करें वो उसमें बेहतर। छोटा सवाल जी, देखें एक उन्होंने सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने और जाहिर है आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमजान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुनी है कि रमजान में तरावियां भी पढ़नी और पढ़ानी होती। वजीर दाखला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में इंतजाम कर सकते हैं, नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक खसूसी दस्तावेज दे सकते हैं। असम्बलियों में आना चाहिए, मैं पीडीएम को कहूंगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इसलाहत करे। हर कैबिनेट में लाजमी करार दिया गया है कि ओवरसीज का वोट और मशीनेबल जो वोटिंग मशीन है, हम इंशाल्लाह ताला पासपोर्ट को भी अनकरीब आज को आपको खुशखबरी देंगे कि ई टिकटिंग पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट ई टिकटिंग। जी बेटे, मैं पहले कह चुका हूं कि वो शायद गए इसलिए हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना, लेकिन अगर क्योंकि ये बात चल रही है इसलिए मैंने कहना जरूरी समझा, क्योंकि पिछले कई महीनों से पहले इलेक्शन चल रहे थे, फिर सेनेट आ गया, फिर इनका लॉन्ग मार्च आ गया, उनके फैसले को मैं समझता हूं कि उनका दुरुस्त फैसला है और कोरोना इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और उनके आपस के मसले वो जाने और उनका काम जाने, उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। इसके बाद आज बुनियादी तौर पर तो आप पता है कि हमारे कतर से बहुत अच्छे तल्लकात हुए हैं, एलएनजी की हमारी डील हुई है और हम चाहते हैं कि हमारे लेबर्स के मसले में वहां बड़ी गुंजाइश है, वहां मैचेस वगैरह हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम था वो तो मैं खोल नहीं सकता, वो जैसा पैगाम था वो मैं लेके गया था। मेरे पास कोई सलाह नहीं है, मैं वही बात कर सकता हूं जिसका मैं जिम्मेदार हूं। एक तो ना मैं दूसरों की वजारतों में मुदाखलत करता हूं ना किसी को करने देता हूं। आपको बता दी है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में हमागीर तब्दीलियां आने लगी हैं, 18-18 और 10-10 साल से एक एक जगह पे लोग बैठे हुए हैं,
और उनका चेंज होना जरूरी है। तमाम मुल्कों में जो हमारे ओवरस्टे किए हुए हैं पासपोर्ट ऑफिसर्स और नादरा के लोग ओवरस्टे किए हुए हैं, उनकी जगह मेरिट पर नए लोग भेजे जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि वो जाएं। वो क्यों कहती है कि वो नहीं जाएंगी, ये उनको पता होगा ना। हमारा उनसे कोई रابطہ है ना किसी ने हमसे रابطہ किया है। लास्ट क्वेश्चन, मेरा तो कभी भी रابطہ नहीं रहा। वैसे मेरी दोस्तियां हैं, कायरा दोस्त है और खोसा साहब भी दोस्त हैं, बिलावल भी दोस्त है। रशीद जो कि इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीडीएम ने जो फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला